आपके बच्चे बरतानिया में और दूसरों को जेल भरने का कह रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भरो तहरीक क्यों नहीं चलाते? मरियम नवाज का नौजवानों से खिताब, कहा आज मुकाबला पगड़ी उछालने का नहीं, नौजवानों के लिए काम करने का है। शहबाज शरीफ ने लैपटॉप दिए, सस्ता कर्ज दिया, 99% लोगों ने कर्ज वापस किया। आज तरक्की के बयानिए और कौम को जोड़ने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुतनाज़े बयान, पीटीआई रहनुमा असद उमर ने मुआफ़ी मांग ली। तहरीरी जवाब में लिखा, तौहीन अमेज़ बात नहीं की, इलेक्शन कमीशन को लगता है कि तौहीन हुई तो माजरत खा हूँ, खुद को कमीशन के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल का खत और वजीर कानून की वजाहत, रजा रबानी ने अटॉर्नी जनरल को ऐवान की तौहीन का मुर्तकिब करार दे दिया। कहा अटॉर्नी जनरल इस ऐवान के रुकन नहीं, उन्होंने वजाहत देने की जुर्रत कैसे की? शोर शराबे के बाद चेयरमैन सेनेट ने इजलास मुलतवी कर दिया। बनू से दहशतगर्दों के वजीरस्तान मुंतकली के दौरान सीटीडी पर हमला, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, 3 जेरे हिरासत मुलजमान भी मारे गए। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम टीटीपी से था। बनू में काशुपुल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा। पाक बहरिया के मशकम, 2023 का आखिरी दिन, मैरी टाइम इंसदादे दहशतगर्दी डैमो, बुहीराए अरब में जंगी जहाजों और नेवल एयर आर्म्स ने ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने की भी मशकें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद, बहरी मशकों का मुआयना करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने मास्टर प्लान 2050 पर अमल दरामद रोकने के हुक्म में तौसी कर दी। प्लान का जायजा लेने के लिए बैनुल अक्वामी माहिरीन से राय लेने की तजवीज, जस्टिस शाहिद करीम के सख्त रिमार्क्स, कहा खेतों को खत्म करके हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। रूडा साइट का विजिट करें तो दिल खून के आंसू रोता है। बुनियादी हकूक का मामला हुकूमत और LDA पर नहीं छोड़ सकते। तुर्की और शाम में जलजिला, अमवात की तादाद 37,000 से तजावुज, हजारों जख्मी, मलबे तले जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी। आदियामन में 198 घंटे बाद नौजवान को जिंदा निकाल लिया गया। और PSL का दूसरा मैच आज कराची में खेला जाएगा। पिशावर जलमी और कराची किंग्स की टीमें आमने सामने आएंगी। कराची स्टेडियम में तैयारियां जारी, स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, ट्रैफिक प्लान भी मुरतब कर लिया गया।